जहां पर विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस चुनावी मैदान में कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कटनी जिला कोर्ट ने एक परिवाद पर विधायक संजय सत्येंद्र पाठक और उनके चचेरे भाई समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामला विधायक से जुड़ा हुआ है होने के चलते केस एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि पत्रकार रवि गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होने पर रवि गुप्ता द्वारा न्यायालय का सहारा लिया गया है। 4 जुलाई 2022 को कटनी जिला न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। रवि गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मेरे साथ विजय राघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके चचेरे भाई मनीष पाठक और अन्य साथियों ने विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी समेत उनके साथियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। कांग्रेस के नेता हैं, उनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और वो लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता करते हैं, तो उस प्रकाशन के कारण बिजरावर के संबंध में कुछ भी लिखा था उन्होंने, उस संबंध में विधायक श्री संजय पाठक जी द्वारा जो भी उनके साथ घटना कायद की गई हो उस संबंध में उन्होंने बताया था और वो उस घटना से संबंध में जो जो थाने आए सब जगह पर जाकर के उन्होंने उसकी फला की और चूंकि उस समय के तत्कालीन SP श्री सुनील कुमार जैन जी भी थे, तब उन्होंने उनके पास भी गए, आवेदन दिया, उनके द्वारा भी सुनवाई की गई। तब मजबूरी में इन्हें न्यायालय के सामने आना पड़ा और न्यायालय में आकर के जब इनकी स्थितियां हमने इनके विषय में जानकारी